राजस्थान में इस साल मॉनसून जम करके अपना तेवर दिखा रहा है। मॉनसून की बारिश से राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे स्थिति इस वक्त पैदा हो चुके हैं। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजस्थान में बाढ़ बारिश से तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से हर तरफ बाढ़ और बारिश आपको सिर्फ यहाँ इन तस्वीरों में देखिए कैसे नजर आ रहा है। ये हाल है राजस्थान का। 21 से भी ज्यादा राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं, और ये तस्वीरें हम उसी की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान की। जोधपुर के आसपास के इलाकों की तस्वीर देखिए, आपको यकीन कर पाना अपनी आंखों पर मुश्किल होगा कि रेगिस्तान का जो इलाका है वो इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जयपुर समेत धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में बांध टूटने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें रणथंबोर के सीता माता मंदिर की हैं, जहां बारिश की वजह से सैलाब जैसी स्थिति बन गई। नदी और नाले उफान पर। जयपुर के चाकसू की तस्वीर देख लीजिए, बारिश से नाले उफान पर, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच से निकलते दिख रहे हैं। बहाव इतना तेज है कि लोग सैलाब के दोनों ओर फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी बाइक सवार, कार चालक और बस चालक जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करते दिख रहे हैं। अब रणथंबोर के ऐतिहासिक सीता माता मंदिर की तस्वीरें भी देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि बारिश के बाद यहाँ के क्या हालात हैं। जोधपुर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से गली मोहल्लों में सैलाब आ गया। सड़कों पर नदी जैसा मंजर देखने को मिला। कई घरों में पानी भर गया। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, बारिश से सड़कें दरिया बन गई, बस पानी में फंसी हुई है, यात्री पानी के बीच निकलकर बाहर जा रहे हैं। पूरी सड़क पर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। बारिश के दिनों में सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जयपुर की तस्वीरों को देखिए, एक स्कूल बस सैलाब में फंसी हुई है। बस में स्कूली बच्चे थे। बस फंसने के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बच्चों को कंधे पर बिठाकर बाहर निकाला गया। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के कारण मेरे सपोटरा क्षेत्र के हालात भयावह। कालीसिल बांध के आसपास के गांव खतरे में, जानवर खतरे में। तालाब के बीच फंसी इन भैंसों को देखिए, जो एक एक कर नदी में बह रही हैं। ये तस्वीरें कोटा बैराज की। लगातार बारिश की वजह से पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन जयपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर जयपुर के महार गांव मालेश्वर महामंदिर इलाके में प्राकृतिक झरनों में पानी की आवक होने के कारण झरने उफान पर, जिसमें कई यात्री फंस गए।
इसी बीच जोधपुर की तस्वीरें सामने आई, जहां गली मोहल्लों में पानी आ गया। सड़कों पर नदी जैसा मंजर देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर पानी का बहाव तेज हो गया। अब राजस्थान के 12 जिले की तस्वीरें भी देख लीजिए। भैंसासुर नदी में आए तूफान में 6 लोग फंस गए। तूफान में फंसने की सूचना के बाद पुलिस ने गांव वालों की मदद से उनका रेस्क्यू किया। राजस्थान में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। राज्य के ज्यादातर जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।